बहुत अच्छे शिष्य हो, पर तुमने मुझे थोड़ा निराश कर दिया। टाइग्रेस, तुम्हें और खूंखार होना पड़ेगा। मंकी, और रफ्तार, कहीं ऊंचाई, वाइपर, पेन अपन, मैचेस। गुरु शिफु, क्या? गुरु उगवे का संदेश है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। महान गुरु उगवे, आपने मुझे बुलाया, क्या कोई गड़बड़ है? अगर मैं अपने पुराने दोस्त से मिलना चाहूं तो क्या गड़बड़ हो सकती है? तो कोई गड़बड़ नहीं, मैंने वो तो नहीं कहा था। आप कुछ कह रहे थे? मेरा ख्याल ये है कि ताइलांग वापस आएगा। ये नामुमकिन है, वो कैद में है। कुछ भी नामुमकिन नहीं। ज़ेंग, उड़कर चोर कौन कैद जाओ और उनसे कहो सुरक्षा दुगनी करने को, हथियार दुगने करने को, सब कुछ दुगना करने को, ताइलांग उस कैद से भागने न पाए। जी गुरु शिफु। कभी कभी आप उसी तकदीर से टकराते हैं जिसे आप नकारते हैं। हमें कुछ तो करना होगा, हम उसे ऐसे ही उधम मचाने नहीं दे सकते ताकि वो बदला ले सके। वो तुम्हारा दिमाग पानी जैसा है मेरे दोस्त, जिसके उत्तेजित होने पर देखना मुश्किल हो जाता है, पर अगर उसे स्थिर होने दो तो जवाब साफ हो जाता है। ड्रैगन पुलिंदा, वक्त आ गया है। पर कौन कौन इतना लायक है जिस पर असीम शक्ति का दारो मदार सौंपा जा सके? कौन बन सकता है वो ड्रैगन योद्धा? मुझे नहीं पता। माफ कीजिए, जरा हटिए तो। माफ करना, देख कर बोल। माफ करना, ओका माफ करना, माफ करना, बार बार माफ करना। क्या गुरु उगवे ड्रैगन योद्धा चुन रहे हैं, और वो भी आज? सब लोग चलो हरे महल पर चलो, पांच में से एक जामात ड्रैगन पुलिंदा लाने वाला है। हमने इसके लिए हजार साल इंतजार किया है, अपनी सेवा लेकर चलो चलो। इतिहास का सबसे महान दिन है, पैसे की फिक्र छोड़ो, चलो बस चलो। कहाँ जा रहे हो? हरे महल की ओर। पर तुम अपने सिवैया वाली गाड़ी भूल गए। घाटी के सब लोग वहाँ होंगे और तुम उन सबको सिवैया बेचोगे। सिवैया बेचूंगा? पर डैड, असल में मैं सोच रहा था कि अगर मैं सोच रहा था कि अगर मैं वहाँ मसाला पाव भी बेच सकता तो वो सड़ने वाले है ना। ओ मेरा बच्चा, मैंने कहा था वो सपना एक निशानी था। हाँ, अच्छा है वो सपना आया।